विदिशा जिले के पठारी में बुधवार को हुई बारिश से जहां किसानों के चेहरे तो खिल रहे हैं, वहीं आमजनों में भी राहत की सांस ली है। मानसून की देरी के कारण सोयाबीन और मूंग की फसल बोने वाले किसान चिंता में बैठे थे, क्योंकि तेज गर्मी के कारण निजी जल स्रोत भी साथ छोड़ दिया है, जिसके बाद से किसान मानसून की बारिश पर निर्भर बने हुए हैं। बारिश से लेकर जहां जून की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन बुधवार को शाम 4 बजे से ही मौसम पानी का बनने लगा और फिर लगातार अच्छी बारिश होने से जहां लोगों को गर्मी की राहत मिली है, वहीं किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं, क्योंकि इस समय लोगों द्वारा धान की पोत को डाला गया है और भीषण गर्मी के चलते धान की पोत पीली पड़ रही थी। आगामी जुलाई माह में धान का रोपा 30 से 45 दिन का होने के बाद खेतों में धान की रोपाई की जाएगी। काफी दिनों से यहां बारिश न होने से किसान परेशान थे। विदिशा पठारी से आशीष सेले की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।